स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर एट से पहले एक एक्टिविटी पेज नंबर ट्वेल्व पर दी गई है इसको हम समय पहले सॉल्व करेंगे इससे आपके मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो समय पहले यहाँ पर हम रूल्स लिख लेंगे अब जैसे की मैंने लास्ट वीडियो में आपको रूल बताया था प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस यानी कि दो नंबर प्लस के दोनों का हो तो जो आंसर को जो साइन आएगी वो प्लस की रहेगी प्लस मल्टीप्लाय बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाय बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाय बाय माइनस क्वल टू प्लस ये जो फोर रूल्स हैं ये आप याद रखेंगे तो ये एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चलिए ये एक्टिविटी पर आ जाएंगे अब देखिए यहाँ पर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री यानी कि यहाँ पर रूल नंबर फोर यूज हो रहा है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो सिक्स थ्री जा हो जाएगा एटीन तो एटीन इज द आंसर अब एटीन को कौन सा साइन लगेगा स्टूडेंट प्लस का लगेगा और हम नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू देन आंसर इज सिक्स टू जल्व Minus 6 multiplied by minus 1, then answer is 6 ones are 6 plus 6. माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय जीरो कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज जीरो माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय प्लस वन आंसर ए सिक्स वन झा अब यहाँ पर देखिए कौन सा रूल यूज हो रहा है माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से तो आपको आंसर मिलेगा माइनस वाला माइनस सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टू यानी सिक्स टू जुवेल्व करेंगे और सेकेंड नंबर रूल यानी कि आपको आंसर मिलेगा माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री यानी कि माइनस नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्लस नंबर सिक्स एटीन तो ये आंसर आएगा माइनस एटीन माइनस सिक्स कि दो नंबर माइनस के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला रूल यूज होगा रूल नंबर फोर तो आंसर मिलेगा प्लस ट्वेंटी वन माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू सेवन टू झा फोर्टीन प्लस फोर्टीन यानी पर रूल नंबर फोर यूज होगा माइनस सेवन मल्टीप्लाइड माइनस वन तो सेवन वन झा सेवन यहाँ पर भी रूल नंबर फोर यूज होगा माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाय जीरो भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करे तो आंसर इज जीरो माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाय वन यानी रूल नंबर थ्री यूज होगा माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस टू सेवन टू फोर्टीन बट आंसर इज माइनस फोर्टीन यानी रूल नंबर थ्री माइनस का नंबर प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो आंसर इज माइनस ट्वेंटी वन माइनस सेवन मल्टीप्लाइड फोर आंसर is minus 28. We hope that you have understood this concept. स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर एट जो कि इन रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है ये फोर रूल्स पहले भी हमने आपको बताए थे लेकिन आपके हेल्प के लिए हमने यहाँ पर फोर रूल्स लिख दिए हैं रूल नंबर वन रूल नंबर टू रूल नंबर थ्री एंड रूल नंबर फोर हम प्रैक्टिस सेट नंबर एट को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन करना है माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करना है माइनस सेवन से तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव सेवन ज थर्टी फाइव मिलेगा अब देखिए कौन से रूल में बैठेगा ये रूल नंबर फोर में बैठेगा यानी कि पहला नंबर माइनस का है सेकंड नंबर ही माइनस का है तो आंसर को प्लस की साइन कम टू द सेकंड क्वेश्चन माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाय प्लस सिक्स तो सब में पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर अब देखें कौन सा रूल यहाँ पर यूज होगा रूल नंबर थ्री फर्स्ट नंबर माइनस का है सेकंड नंबर प्लस का है तो आंसर को माइनस की साइन आएगी गया माइनस फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर थ्री प्लस नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर तो सब में पहले मल्टीप्लीकेशन कर देंगे नाइन फोर जा थर्टी सिक्स अब हम देखें कौन सा रूल यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड नंबर माइनस का तो ये वाला रूल फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड नंबर माइनस का तो आंसर को माइनस साइन आएगी माइनस थर्टी सिक्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर प्लस एट मल्टीप्लाई बाई माइनस सेवन तो एट सेवन जब फिफ्टी सिक्स सब फिफ्टी सिक्स लिख देंगे अब उसके बाद देखेंगे साइन कौन सी लगाना है तो यहाँ पर रूल नंबर टू यूज हो रहा है फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड नंबर माइनस का है तो आंसर को माइनस की साइन आएगी अब क्वेश्चन नंबर फाइव हम सोल्व करेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो आंसर इज 124 अब देखिए कौन सा वाला रूल यूज होगा तो अब देखिए माइनस माइनस यानी रूल नंबर फोर यहाँ पर यूज होगा आंसर को साइन आएगी प्लस की अगर हम नए भी लिखते हैं तो प्लस वन होगा वो अब देखिये माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई माइनस तब मैं पहले ट्वेल्व को सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा एटी अब देखेंगे कौन सा रूल रूल नंबर फोर प्लस की साइन आएगी अब देखिये क्वेश्चन नंबर सेवन माइनस सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन तो ये हो जाएगा सेवन थ्री ट्वेंटी वन क्यू सेवन सिक्स टू प्लस टू फोर्टी फोर तो आंसर इज फोर फोर्टी वन अब देखेंगे साइन कौन सी आएगी तो साइन प्लस की आएगी रूल नंबर फोर यहाँ पर यूज होगा क्वेश्चन नंबर एट देखिए माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई प्लस फिफ्टीन तो फिफ्टीन सेवन जा वन नॉट फाइव अब देखेंगे साइन कौन सी यूज होगी यहाँ पर रूल नंबर थ्री फर्स्ट नंबर माइनस का है, सेकंड नंबर प्लस का है तो आंसर को साइन आएगी माइनस की ओके okay, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर मैंने डिवीजन के रूल्स फोर रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस यानी कि माइनस की साइन आएगी माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस हम इसकी एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अब जैसे की आपको डिवाइड करना है ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय फोर देखिये यहाँ पर ट्वेंटी फोर भी प्लस साइन है और कोई प्लस साइन है तो आप फोर वन ज फोर फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो आंसर आपका प्लस में आने वाला है चलिए इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको अब जैसे कि ट्वेंटी फाइव है डिवाइडेड बाय माइनस फाइव है अब देखिए अगर इस तरीके से आपको नजर आता है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस ट्वेंटी फाइव बाय फाइव तो कभी भी जो डिनोमिनेटर को माइनस फाइव नहीं लगती को हम लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा फाइव वन जा फाइव 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 ज्वेंटी फाइव देन आंसर इज माइनस फाइव आंसर माइनस में आना चाहिए नेक्स्ट रूल माइनस नंबर डिवाइडेड बाय प्लस अब जैसे की ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड जैसे कि मैं लिखता हूँ माइनस एटीन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री देन थ्री वन जी थ्री सिक्स एटीन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो आंसर इज प्लस सिक्स चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन की तरफ आते हैं अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन देखेंगे

सिक्स तो आंसर इज माइनस सिक्स अपॉन वन को आप तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट ये माइनस साइन को यहाँ पर लिखेंगे माइनस नाइन्टी एट अपॉन ट्वेंटी एट अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में नाइन्टी एट भी आएगा और ट्वेंटी एट भी आएगा तो दैट इज फोर्टीन फोर्टीन के टेबल में हम देखेंगे 14, 7, 98, 14, टू झा टी एट आंसर इज माइनस सेवन अपॉन टू ओके तो यहाँ पर रूल नंबर टू यूज हुआ स्टूडेंट रूल नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं माइनस फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई सी एट यहाँ पर सेवनटीन के टेबल में आएगा सेवनटीन थ्री झा फिफ्टी वन सेवनटीन फोर झा सिक्सटी एट आपका आंसर रहेगा माइनस थ्री अपॉन फोर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट अपॉन फिफ्टी सेवन में लिखूंगा थर्टी एट अपॉन माइनस फिफ्टी सेवन तो आप गौर करेंगे ये नाइनटीन के टेबल में आता है नाइनटीन टू जा थर्टी एट एंड नाइनटीन थ्री जा फिफ्टी सेवन तो ये मिलेगा टू अपॉन माइनस थ्री लेकिन आप उसको इस तरीके से लिखना है माइनस टू अपॉन थ्री ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे की जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये आपके करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट तो आप इसको कीजिए और अगर कहीं डिफिकल्टी आप फील करते हैं तो हमें कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं हम उसका आंसर देंगे चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं राइट थ्री डिविजन ऑफ इंटीज सच दैट द फ्रैक्शन फ्रॉम ईच वी ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव यानी कि आपको तीन ऐसे फ्रैक्शन लिखना है फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमिरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है ऐसे फ्रैक्शन लिखना है अगर उनको सॉल्व करते हैं तो आपको 24/5 आंसर मिलता है तो बच्चों इसका सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आप सब में पहले यहाँ पर क्या करेंगे 24/5 लिखेंगे ओके अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 48 और फाइव को टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा टेन तो पहली फ्रैक्शन फोर्टी एट अपॉन टेन यानी कि अगर फोर्टी एट अपॉन टेन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव ये फर्स्ट डिवीजन हो गया अब सेकंड डिवीजन में हम क्या करेंगे वही लिखेंगे ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव अब मैं क्या करता हूँ ट्वेंटी फोर को जब थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फाइव को भी मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए तो थ्री फोर झा ट्वेल्व थ्री टू झा सिक्स प्लस वन सेवेंटी टू और

तो ये आपको दूसरी फ्रैक्शन मिल गई चलिए तीसरी फ्रैक्शन बनाएंगे हम अब हम क्या करेंगे ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय फाइव 24 को आप क्या करना है माइनस uh, टू से मल्टीप्लाई कर देना तो नीचे वाले नंबर को भी हम क्या करेंगे माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा माइनस फोर्टी एट अपॉन फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस टेन तो इस तरीके से आप बहुत सारे फ्रैक्शन बना सकते हैं तो हमने यहां पर तीन एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं तो आप टू से कर सकते हैं थ्री से फोर से फाइव से सिक्स से या फिर माइनस थ्री से माइनस फोर से माइनस फाइव से जो भी नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर करेंगे नीचे वाले नंबर को भी यानी कि न्यूमिनेटर को जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिलते जाएंगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री भी ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर थ्री का भी सेम प्रोसीजर है राइट थ्री डिवीजन ऑफ इंडीजर सच दैट द फ्रैक्शन फ्रॉम ईच विल बी तो आपको वैसे ही करना है जैसा मैंने पहला मेथड आपको बताया था माइनस फाइव बाई सेवन अब आप क्या करेंगे माइनस फाइव बाई सेवन को अगर आप माइनस फाइव को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेवन को भी आप क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है माइनस टेन और सेवन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्टीन आप इसको सोल्व कीजिए आप जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर फाइव बाई सेवन ही मिलेगा अब जैसे कि देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ okay, इसी तरह है। पहला आपको मिल गया माइनस टेन बाय फोर्टीन चलो नेक्स्ट आंसर हम निकालते हैं अब मैं लिखता हूँ माइनस फाइव बाई सेवन अब हम माइनस फाइव बाई सेवन को क्या करेंगे माइनस फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन को भी थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी वन ओके ये सेकेंड फ्रैक्शन हमने मालूम कर लिया अब थर्ड फ्रैक्शन देखिए फिर से मैं लिखता हूँ माइनस फाइव बाय सेवन अब हम माइनस फाइव को क्या करेंगे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन को भी हम क्या करेंगे फोर से मल्टीप्लाई तो ये मिल जाएगा माइनस ट्वेंटी अपॉन सेवन फोरजा ट्वेंटी जब इन फ्रैक्शंस को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस फाइव बाई सेवन ही आएगा इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है एक, पिक्चर दी गई है द द फिश इन पॉन्ड बिलो कैरी सम समय जो फिशेस है उनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए आप देख रहे हैं जैसे इसके ऊपर माइनस है माइनस है माइनस है प्लस नाइन इस तरीके से फिशेस के ऊपर नंबर लिखे गए हैं तो आपको क्या करना है फोर पेयर ऑफ मल्टीप्लीकेशन चार मल्टीप्लीकेशन करना है एंड चार डिवीजन करना है फोर मल्टीप्लीकेशन विद दो नंबर्स यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है जैसे कि माइनस थर्टीन को माइनस फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन नाइनटी फाइव आएगा माइनस ट्वेंटी फोर को अगर हम नाइन से नाइन से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ट्वेंटी फोर नाइन तो इसको आप थ्री से अगर हम डिवाइड करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन थ्री एट ट्वेंटी फोर यानी कि माइनस एट बाई थ्री आपको मिलता है तो चलिए हम चार मल्टीप्लीकेशन करेंगे और चार डिवीजन करेंगे तो सब में पहले मैं लेता हूँ माइनस थर्टीन यानी कि ये वाले फिश माइनस थर्टीन को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट वाले फिश से माइनस थर्टीन माइनस एट मल्टीप्लाइड बाय माइनस एट तो अब आंसर क्या होगा माइनस थर्टीन यानी के थर्टीन एट जा करेंगे 13 अब आपको मिलेगा प्लस वन नॉट फोर यानी चलिए अब नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मैं अगला नंबर लेता हूँ माइनस फिफ्टीन यानी कि ये वाली फिश मल्टीप्लाइड बाय प्लस नाइन माइनस फिफ्टीन यानी फिफ्टीन को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वन थर्टी फाइव लेकिन जो आंसर है उसको हम माइनस साइन लगाएंगे ये हो गया हमारा रूल नंबर थ्री की चलिए थर्ड मल्टीप्लीके करते हैं अब मैं लेता हूँ माइनस एटीन मल्टीप्लाईड बाई प्लस ट्वेल्व चलिए माइनस एटीन को प्लस ट्वेल्व से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज माइनस टू सिक्स एटीन को ट्वेल्व से आप मल्टीप्लाई कीजिए आपके नोटबुक में तो आपको मिलेगा चलिए नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के वास्ते अब मैं लेता हूँ माइनस ट्वेंटी सेवन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट से चलिए माइनस ट्वेंटी सेवन को जब माइनस एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है आएगा स्टूडेंट आप नोटबुक्स के अंदर सॉल्व कीजिए तो आंसर इज प्लस टू सिक्सटीन यानी कि फर्स्ट नंबर माइनस का सेकंड नंबर माइनस का दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर इज प्लस ओके अब फोर पेयर ऑफ डिवीजन करेंगे हम तो सबसे पहले हम ले लेंगे माइनस ट्वेंटी फोर एंड माइनस एट तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन माइनस एट अब देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस एट वन जा एट एट थ्री ट्वेंटी फोर इज थ्री बाय थ्री थ्री चलिए सेकंड पेयर लेंगे हम माइनस एटीन और प्लस नाइन so, मैं लिखूंगा माइनस एटीन डिवाइडेड बाय प्लस नाइन देन ये नाइन के टेबल में एटीन आ जाएगा नाइन वन जा नाइन नाइन टू एटीन यानी कि आंसर इज माइनस टू बाय वन और माइनस टू बाय वन को आप माइनस टू लिख सकते हैं अब थर्ड पेर लेंगे हम माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन तो यहाँ पर मैं लिखता हूं माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन माइनस फिफ्टीन तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अब थ्री के टेबल में देखिए थ्री फाइव झा फिफ्टीन थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन तो आंसर इज नाइन अपॉन फाइव चलिए फोर ले लेंगे हम फ्रैक्शन माइनस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व मैं लिखता हूँ माइनस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व अब देखिए कौन से टेबल में आएगा फोर के टेबल में आएगा फोर थ्री झा ट्वेल्व फोर सेवन झा ट्वेंटी एट तो आंसर इज माइनस सेवन अपॉन थ्री अब ये नंबर लिए थे हम अपने दिल से आप कोई भी नंबर ले कर फोर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और फोर डिवीजन कर सकते हैं अगर स्टूडेंट दूसरे नंबर लेते हैं तो उनके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं तो हमने ये नंबर चूज किए हैं इसके हिसाब से ये आंसर्स आए हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे हम ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसान से आसान अंदाज में क्वेश्चन को समझाया जाए तो हमारी मेहनत को आप लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो